हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं अंडा मसाला। आप इस तरीके से अंडा मसाला की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं ये और बहुत जल्दी बन जाता है। इस तरीके से आप मेरे बताए हुए तरीके से एक बार ज़रूर बनाना। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च काट करके डाल दी है मोमदस्ता में। इसी के साथ में हम 1 टुकड़ा अदरक का डाल देंगे इसमें और इसको हम दरदरा सा कूट करके पेस्ट बना लेंगे इसका। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से कूट करके पेस्ट बना लिया है दरदरा सा इसका। और अब यहाँ पर मैंने 4 प्याज काट लिए हैं साथ ही में, आप देख सकते हो इस तरीके से काटा है मैंने इसे। और 1 यहाँ पर मैंने बड़ा साइज का टमाटर काट लिया है। और यहाँ पे मैंने अंडा उबालने के लिए रख दिया है। अंडा उबालते टाइम इसमें नमक जरूर डालें आप, इससे अच्छे से उबलते हैं ये। तो ये देखिए, ये उबल गए हैं। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे और पानी को अलग कर देंगे। यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम डाल देंगे तेल। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच तेल लिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला, साथ ही में 2 तेज पत्ता लिए हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। तो ये देखिए, हमारा गरम मसाला भी भून चुका है। तो अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसी तरीके से 1-2 बार चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेंगे हम, इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक। तो ये देखिए, आप देख सकते हो प्याज का काफी कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और जो हरी मिर्च का हमने पेस्ट बनाया था वो, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कुछ देर के लिए इसे भी और पका लेंगे हम। यहाँ पे मैंने उसी मोमदस्ते में लहसुन को छिल करके कूट लिया है, इसका भी हम दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे हरी मिर्च को मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे पहले मैंने गैस को लो रखा था, अब मैं इसे मीडियम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसी के साथ में मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ ताकि हमारे टमाटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक को भी। और अब हम इसे ढक करके पका लेंगे। दूसरी तरफ हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है, इसमें 2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है और नमक हमने पहले ही डाल दिया था तो नमक नहीं डालना है। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की सहायता से। और आप देख सकते हो हमारे टमाटर जो है काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर मैंने 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे भी पका लिया है। और अब हम इसमें यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये मसाला डाल देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को। उसी बर्तन में हम थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल देंगे इसमें। एक बार अच्छे से चला करके हम इसे ढक करके पका लेंगे मसाले को। मसाले को ढक करने के बाद में बार बार देखना है हमें, ऐसे ही छोड़ना नहीं है इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अंडा बाहर निकाल लिया है पानी में से और ये काफी ठंडे हो गए हैं और इसका छिलका भी उतार लिया है मैंने। तो अब हम इसे काट लेंगे 2 भागों में। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मसाला जो है अच्छे से पक चुका है। मसाले से तेल अलग हो रहा है साइड से। और अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट जो हमने दरदरा सा कूट करके बनाया है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन को पेस्ट को भी मैंने 1 मिनट तक पका लिया है अच्छे से मसाले के साथ में।
और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके ढक करके पका लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने अंडा को भी दो भागों में काट लिया है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से दो साइज में कट गया है ये। तो इसी तरीके से हमें अंडा काटना है। और यहाँ पे हमारे सब्जी में भी उबाल आ गया है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। तो सब्जी में उबाल आने के बाद में मैंने इसे एक मिनट तक और पका लिया है और अब हम इसमें ये अंडा डाल देंगे बीच से कटे हुए। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे ढक करके पका लेंगे। तो यहाँ पे इसे ढकने के बाद में मैंने इसे 3 मिनट तक और पका लिया है और ये हमारा अंडा मसाला बनके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो। इतने अच्छे से बना है ये। आप इस तरीके से अंडा मसाला की रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करना। और अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे अंडा मसाला की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाना। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।